आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन। मधुबनी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक बार फिर से सभी नदियां उफान पर है। खासकर कमला नदी का विकराल रूप लेता हुआ जल स्तर खतरे के सभी निशान को पार कर गई है, जिससे जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके अलावा भी भारी बारिश की वजह से गांव से लेकर शहर तक की स्थिति नाटकीय हो गई है। मुख्यमंत्री साहब निश्चय के महत्वपूर्ण गली नली का हाल बेहाल है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे मधुबनी जिले की नदियों में बाढ़ और गांव से लेकर शहरों तक में जगह जगह लगे भीषण जल जमाव की समस्या, जिससे आम जनजीवन बेहाल है। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बाहुबली थाना पुलिस ने एक होटल से 2.5 लीटर शराब के साथ होटल मालिक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को संध्या गश्ती के समय पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बड़े चौक स्थित गुरु कृपा होटल में खुलेआम शराब बेचा जा रहा है। थाना अध्यक्ष राम आशीष कामती के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर होटल से शराब के साथ संचालक को दबोच लिया। बाहुबली प्रखंड के पेड़ी पंचायत के नोपोली गांव स्थित वार्ड नंबर 2 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 17 पर नियमित टीकाकरण के तहत गर्भवती महिला, किशोरी और बच्चों को टीका लगाया गया। गर्भवती महिला और किशोरियों को टीटीटी का टीका लगाया गया। वहीं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को बीसीजी, पोलियो ड्रॉप, रोटा वैक्सीन ड्रॉप, पीसीआर, पेंटावैलेट, एमआर, विटामिन ए सहित अन्य दवाइयों के साथ टीका लगाया गया। सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर में गैस गोदाम के पास शराब पीकर हुआ हंगामा करना एक शराबी को महंगा पड़ गया। शराब के नशे में हंगामा कर रहे शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष ग्यासी ने बताया कि गिरफ्तार शराबी सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र के मेघपुर निवासी गणेश राम है। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस के नेतृत्व में शराब कारोबार के खिलाफ चलाए गए विशेष समकालीन अभियान के तहत रोड छापेमारी में 110 लीटर शराब के साथ 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 5 बाइक को भी जब्त किया है। मधुपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि धराए कारोबारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार बक्स ने आज पुलिस बल के साथ पहुंचकर मैनी गांव के वार्ड नंबर 11 से जल निकासी की व्यवस्था कराई। आपको बता दें कि मता पंचायत के वार्ड संख्या 11 के बसिंदे बहुत दिनों से सड़क पर लगे भीषण जल जमाव से परेशान थे। बारिश होने पर पानी लोगों के घर आंगन में घुस जाता था। गाँव के कुछ लोगों ने सड़क और नाली को की जमीन को अतिक्रमण कर लिया था, जिसे आज अंचल अधिकारी ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर उसे खाली करा लिया और आम लोगों को जल जमाव से निजात दिला दिया। आइए आगे स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं मधुबनी जिले की नदियों में बाढ़ और गांव से लेकर शहर तक जल जमाव की क्या है स्थिति। मधुबनी जिले में कमला नदी के उद्गम स्थल जयनगर में आज शुक्रवार को दोपहर से कमला नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई। नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की संभावना भी बढ़ गई है। नदी के जलस्तर बढ़ने से नदी से सटे ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी कटाव शुरू हो गया है। कमला नदी के जल स्तर बढ़ने से और विकराल रूप देख लोग भयभीत हो गए हैं। वहीं 3 दिनों से हो रही वर्षा से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कीचड़ और जल जमाव से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्षेत्र में जल निकासी और नाला निर्माण नहीं होने से जल जमाव की यह समस्या बनी रहती है। स्थिति अब बद से बदतर हो गई है। लोगों के घर आंगन और दुकानों में वर्षा का पानी घुस आया है। मुख्यमंत्री साफ निश्चय के गली नली योजनाओं का हाल बेहाल देख लोग पंपिंग सेट और मोटर लगाकर अपने घर आंगन और दुकानों से जल निकासी करते देखे गए। ऐसा नहीं कि जल जमाव से केवल आम लोग ही परेशान है, सरकारी कार्यालयों के परिसर में भी जल जमा होने से अधिकारी और कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यह परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। बात अगर झंझारपुर की करें तो आज सबसे अधिक जल जमा और संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर यहाँ के लोग परेशान है। एक तरफ झंझारपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाली मोहना NH57 से RS बाजार तक जाने वाली सड़क पर आधा दर्जन से अधिक जगहों पर भीषण जल जमाव से लोग
परेशान है, तो दूसरी तरफ ठीक झंझारपुर के सामने कमला नदी के पूर्वी तटबंध में पिपला घाट के समीप भीषण कटाव लगने से तटबंध टूटने की आशंका में लोग बाढ़ की भीषण त्रासदी को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि पिपला घाट के निकट कमला नदी के पूर्वी तटबंध में विगत एक सप्ताह से कटाव जारी है और उतने ही दिनों से तटबंध को बचाने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग फ्लड फाइटिंग का काम भी कर रहा है। तटबंध में कटाव और बचाव के लिए तटबंध मरम्मती का काम दोनों एक साथ चल रहा है। कभी नदी में पानी कम होने से कटाव कम होने पर तटबंध मरम्मती का काम तेज होता है, तो कभी नदी का जल स्तर बढ़ने पर कटाव तेज हो जाता है। कमला नदी के पानी और बाढ़ नियंत्रण विभाग के बीच रस्सा कसी का यह खेल एक सप्ताह से जारी है। इस सब के बीच आम लोग संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर दहशत में है। शुरुआत में बाढ़ नियंत्रण विभाग की लापरवाही का खमियाजा आज क्षेत्र के आम लोगों के साथ साथ खुद बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के दबाव में और साथ साथ जनप्रतिनिधियों के भारी दबाव में बाढ़ नियंत्रण विभाग तटबंध को टूटने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। कार्यपालक अभियंता से लेकर चीफ इंजीनियर तक कटाव स्थल पर पहुंचकर तटबंध से कटाव को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा तटबंध की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बावजूद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कटाव स्थल पर दहशत के मारे जमे हुए हैं। दिन रात निरोधात्मक कार्य यहां जारी है। आगे भी हम आपको मधुबनी जिले की खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़।